हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, इन पार्ट 27 वीडियो वी हैव ऑलरेडी सॉल्व सम क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ स्टूडेंट, इन पार्ट 28 वीडियो वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड इंटीग्रेशन 3x-2 अपान x+1 का होल स्क्वायर इंटू x+3 dx। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हमें पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है। नाउ सॉल्यूशन, i = इंटीग्रेशन 3x-2 dx अपान x+1 का होल स्क्वायर इंटू x+3। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर ले रहे हैं। नाउ यहां स्टूडेंट, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में इजिली कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां लिख लेंगे 3x-2 अपान x+1 का होल स्क्वायर इंटू x+3। दिस इज इक्वल टू क्या होगा, a अपान x+1 प्लस b अपान x+1 का होल स्क्वायर प्लस c अपान x+3। a b c, यह रूल आप लोगों को टेबल में प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि जब px+q अपान x+a का होल स्क्वायर इंटू x+b के फॉर्म में हो तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम लिखते हैं a अपान x+a प्लस b अपान x+a का होल स्क्वायर प्लस c अपान x+b। इसी रूल से हम लिखें a अपान x+1 प्लस b अपान x+1 का होल स्क्वायर प्लस c अपान x+3। इससे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड लिख ले रहे हैं। तो जाएगा 3x-2 अपान x+1 का होल स्क्वायर इंटू x+3। दिस इज इक्वल टू एलसीएम इसका, x+1 का होल स्क्वायर इंटू x+3 यही होगा। फिर इससे डिवाइड करेंगे तो जाएगा a इंटू x+1 x+3 प्लस b इंटू x+1 का होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आएगा ये x+3, इसे b में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस c x+1 का होल स्क्वायर। तो ये डिवाइड हो जाएगा, 3x-2 इक्वल टू a, मल्टीप्लाई कर लिया जाए इसका मल्टीप्लाई होगा x² प्लस 3x प्लस x, दैट मीन्स प्लस 4x प्लस 3 प्लस b x+3 प्लस c x² प्लस 1 प्लस 2x। यहां स्टूडेंट हमें a b c की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम लिख लेंगे 0 इंटू x² प्लस 3 इंटू x प्लस -2 या -2 इज इक्वल टू a प्लस c इंटू x² प्लस तो जाएगा 4a और यहां पर हो जाएगा प्लस बी और यहां पर प्लस 2c इंटू x प्लस, फिर स्टूडेंट हम लिख लेंगे 3a प्लस 3a प्लस 3b प्लस c। कंपेयरिंग बोथ साइड बोथ साइड का कंपेयर किया जाएगा तो a प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि x² का कोफिशियंट RHS में a प्लस सी है और यहां x² का कोफिशियंट 0 है तो a प्लस सी इक्वल टू 0। 4a प्लस बी प्लस 2c दिस इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 4। 3a प्लस 3b प्लस सी इक्वल टू -2 इक्वेशन नंबर 5।
इक्वेशन नंबर फोर में स्टूडेंट हम थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस इंप्लाइज दैट तो हो जाएगा 12a प्लस 3b प्लस 6c, दिस इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर इसे 6 लिख ले रहे हैं और इक्वेशन नंबर 5 को यहां लिख लिया जाए तो जाएगा 3a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू माइनस 2। ये इक्वेशन नंबर 5 है, सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए तो माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, यहां हम लिख लेंगे सब्ट्रैक्टिंग। 12a माइनस 3a 9a ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा प्लस 5c दिस इज इक्वल टू 11। इसे स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 7 हम सपोज कर ले रहे हैं। इक्वेशन नंबर 3 में 9 से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, थर्ड मल्टीप्लाइड बाय 9 इंप्लाइज दैट, तो जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 9a प्लस 9c दिस इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 8 और यहां लिख लेंगे 9a प्लस 5c दिस इज इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर 7 यहां से हम लिख लिए हैं। अब स्टूडेंट यहां पर माइनस किया जाए, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, माइनस होगा, यहां लिख लेंगे सब्ट्रैक्टिंग, यहां हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये 9a 9a सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहां से हो जाएगा 4c इज इक्वल टू माइनस 11, दैट मीन c इज इक्वल टू माइनस 11 बाई 4, c की वैल्यू मिल गया। देन फ्रॉम थर्ड तो यहां से a प्लस c इक्वल टू 0 है तो a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस c, दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू हो जाएगा 11 अपॉन 4। a की वैल्यू फाइंड आउट हो गया, c की वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब स्टूडेंट हमें b की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करना है। पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड c इन इक्वेशन नंबर 5 वी गेट a की वैल्यू 3 इंटू 11 अपॉन 4। अब यहां स्टूडेंट फिर यहां से प्लस 3b c की वैल्यू है माइनस 11 बाई 4 दिस इज इक्वल टू माइनस 2। सॉल्व किया जाए इसे तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 3b प्लस 33 बाई 4 माइनस 11 बाई 4 इक्वल टू माइनस 2, तो 3b इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा प्लस 22 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 2, 3b इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 22 अपॉन 4, तो यहां से 3b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 8 माइनस 22 अपॉन 4, 3b इज इक्वल टू माइनस 30 अपॉन 4। अब स्टूडेंट यहां से ये 10 टाइम्स डिवाइड होगा तो b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10 बाई 4, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा माइनस 5 अपॉन 2, b की वैल्यू आ गया माइनस 5 अपॉन 2। ये b की वैल्यू, यहां पर a की वैल्यू और c की वैल्यू। देन फ्रॉम सेकेंड, तब स्टूडेंट हम सेकेंड से लिख लेंगे 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू a की वैल्यू 11 बाई 4 तो जाएगा 11 बाई 4 अपॉन x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू माइनस 11 बाई 4 अपॉन x प्लस 3। यहां से स्टूडेंट 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 की हम ये वैल्यू फाइंड आउट किए हैं, इससे हम इक्वेशन नंबर
फर्स्ट में पुट कर देंगे, देन फ्रॉम फर्स्ट, देन फ्रॉम फर्स्ट, तब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो जाएगा 11/4 अपान एक्स प्लस वन प्लस माइनस 5/2 अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस 11/4 अपान एक्स प्लस थ्री और dx। अब इसे लिख लिया जाए, इंटीग्रेशन ऑपरेट कर लिया जाए, तो 11/4 को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स प्लस वन डी एक्स, माइनस 5/2 को बाहर लिख लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर dx माइनस 11/4 इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स प्लस थ्री डी एक्स। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 11/4, इसको हम लोग लिख लेंगे लॉग इन मॉडुलस x प्लस वन, सी हम लास्ट में लिखेंगे, माइनस 5/2। अब स्टूडेंट इंटीग्रेशन 1 अपान x प्लस वन का होल स्क्वायर है, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन x प्लस वन पे पावर माइनस टू, तो हो जाएगा x प्लस वन पे पावर माइनस टू प्लस वन अपान माइनस टू प्लस वन, दैट मीन्स इसकी वैल्यू स्टूडेंट जब हम फाइंड आउट करेंगे तो आएगा माइनस वन अपान एक्स प्लस वन, और यहाँ माइनस है तो ये जाएगा प्लस वन अपान एक्स प्लस वन, माइनस 11/4 इसकी वैल्यू हो जाएगा लॉग इन मॉडुलस एक्स प्लस थ्री प्लस सी, यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। नाउ नेक्स्ट, अब स्टूडेंट इसमें कोई 11/4 को भी कॉमन करके लॉग एम माइनस लॉग एन का भी फार्मूला लगा के आप लिख सकते हैं, आप यहीं भी छोड़ सकते हैं और चाहें तो और आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं। इसके आगे यदि आप लिखना चाहें तो यहां से हो जाएगा I इक्वल टू 11/4 को कॉमन कर लिया जाए तो हो जाएगा लॉग इन मॉडुलस एक्स प्लस वन माइनस लॉग इन मॉडुलस एक्स प्लस थ्री प्लस 5/2 इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी। तो स्टूडेंट यहां से हम लिखेंगे I इज इक्वल टू 11/4, ये हो जाएगा लॉग इन मॉडुलस एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस थ्री प्लस 5/2 इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी। आप यहां तक भी छोड़ सकते थे, सोल्यूशन ये भी हो जाएगा, और आप आगे चाहें तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम बाई एन, तो यह रिक्वायर्ड यहां भी सोल्यूशन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, इवेल्युएट इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर dx। नाउ सॉल्यूशन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर। इसे स्टूडेंट हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख ले रहे हैं। नाउ एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को स्टूडेंट हम टी सपोज कर ले रहे हैं, तो जाएगा टी अपान टी प्लस वन टी प्लस फोर, अपने सुविधा के लिए लिख रहे हैं केवल एक्स स्क्वायर को यहां पर, फिर बाद में हम टी के जगह एक्स स्क्वायर हम पुट कर लेंगे, यहां लिख देंगे वेयर टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको लिख लेंगे ए अपान टी प्लस वन पार्शियल फ्रैक्शन में प्लस बी अपान टी प्लस फोर, इक्वेशन नंबर ये सेकेंड है। दिस इंप्लाइज दैट टी अपान टी प्लस वन टी प्लस फोर इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस फोर प्लस बी इंटू टी प्लस वन अपान टी प्लस वन टी प्लस फोर
ये डिवाइड हो जाएगा, t इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस फोर प्लस बी इंटू टी प्लस वन। अब यहां लिखेंगे पुटिंग t इज इक्वल टू माइनस फोर, तो यहां पुट करेंगे तो माइनस फोर इक्वल टू, जब माइनस फोर लिखेंगे तो ये यहां से जीरो हो जाएगा, मीन्स ए के मल्टीप्लाइड बाई जीरो, दैट मीन्स ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो b माइनस फोर प्लस वन, माइनस फोर इक्वल टू माइनस थ्री बी, तो यहां से b इज इक्वल टू हो जाएगा फोर अपान थ्री, बी की वैल्यू आ गया फोर अपान थ्री। अब स्टूडेंट फिर लिखेंगे पुटिंग t इज इक्वल टू माइनस फोर लिखें, अब t इक्वल टू माइनस वन लिख लिया जाए, तो माइनस वन इज इक्वल टू a इंटू माइनस वन प्लस फोर और प्लस b इंटू माइनस वन प्लस वन, दैट मीन्स ये पूरा टर्म ये हो जाएगा जीरो, माइनस वन इक्वल टू थ्री ए, यहां से a इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन अपॉन थ्री फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो फ्रॉम सेकेंड से हम लोग लिख लेंगे t अपॉन t प्लस वन t प्लस फोर, दिस इज इक्वल टू a अपॉन t प्लस वन, ए की वैल्यू हो जाएगा माइनस वन अपॉन थ्री अपॉन t प्लस वन और b की वैल्यू है फोर अपॉन थ्री प्लस फोर अपॉन थ्री अपॉन t प्लस फोर। तब स्टूडेंट यहां से हम लोग लिख लेंगे t की वैल्यू अब पुट कर दिया जाए x स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वन x स्क्वायर प्लस फोर, दिस इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री अपॉन x स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर अपॉन थ्री अपॉन x स्क्वायर प्लस फोर। देन फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट से i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, अब यह वैल्यू रख दिया जाए तो जाएगा माइनस वन अपॉन थ्री अपान यक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर अपॉन थ्री अपान यक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स। i इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख लिया जाए इंटीग्रेशन डी एक्स अपान यक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर अपान थ्री, इंटीग्रेशन डी एक्स अपान यक्स स्क्वायर, फोर को लिख देंगे प्लस टू स्क्वायर, तो जाएगा माइनस वन बाई थ्री टेन इनवर्स एक्स प्लस फोर बाई थ्री इंटू, यह इंटीग्रेशन डी एक्स अपान यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में है, इसकी वैल्यू होता वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो हो जाएगा वन बाई ए, तो वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी, तो जाएगा माइनस वन अपॉन थ्री टेन इनवर्स एक्स प्लस, डिवाइड होगा यहां पर तो हो जाएगा टू अपॉन थ्री टेन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी, यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। नाउ डियर स्टूडेंट सम क्वेश्चन इज गिवेन इन गूगल क्लासरूम ऐप। थैंक्स।